नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं नंदनी लाक्षाकार। खबरों की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक दलों की बड़ी गतिविधियां, प्रत्याशी चयन के साथ प्रचार की रणनीति पर विचार विमर्श। सीएम योगी का लोकसभा चुनाव को लेकर बयान, कहा चुनौतियों के साथ जनता के बीच जाएंगे, किया जाएगा सरकार की उपलब्धियों का बखान। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन गंभीर, चुनाव को लेकर कानपुर डीएम ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। रविवार को 2019 लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए बताया कि लोकसभा चुनाव 18 मार्च से शुरू होंगे और नतीजे 23 मई को आएंगे। मतदान 11 अप्रैल, 18 अप्रैल, 23 अप्रैल, 29 अप्रैल, 6 मई, 22, 12 मई, 18 मई को कड़ी सुरक्षा में होंगे और 90 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस बार 8 करोड़ 43 लाख मतदाता बढ़े हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर भी आचार संहिता लागू कर दी गई है। यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में 7 चरणों में चुनाव होंगे, जबकि पहले चरण में 22, दूसरे चरण में 4, तीसरे चरण में 2, चौथे चरण में 4 और पांचवें चरण में जम्मू में चुनाव होगा। इस बार कड़ी सुरक्षा के बीच चुनाव कराए जाएंगे। इस बार 18 से 19 साल के युवा वोटरों की संख्या करीब 1.5 करोड़ बढ़ी है और इसके साथ ही सभी मतदान केंद्रों पर वीवीपीटी मशीन लगेगी। वीवीपीएटी बंडल की निगरानी जीपीएस से होगी और मतदान करने के बाद सभी को पर्ची मिलेगी। ईवीएम में उम्मीदवारों की तस्वीरें भी होंगी और इसके साथ ही चुनाव आयुक्त ने बताया कि संवेदनशील बूथ की खास सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होगी। आचार संहिता उल्लंघन के लिए ऐप लॉन्च की गई है और इस पर शिकायत मिलने पर 100 मिनट के अंदर कार्रवाई होगी। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन गंभीर हो गया है। इस संबंध में जिलाधिकारी विजय विश्वास पंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिशा निर्देश दिए, साथ ही कहा कि कुल 30 टीमें चुनाव में निगाह रखेगी। प्रत्येक विधानसभा में 3 टीमें रहेंगी। सिविजल ऐप पर भी कोई भी मतदाता शिकायत कर सकता है और शिकायत तुरंत कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही कहा कि आचार संहिता का सभी को पालन करना है। सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जाएगी। चुनाव पर किसी भी तरह से कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। किसी प्रकार की दुर्भावना या गलत कार्य पर सख्त कार्रवाई होगी। कहा कि कुल 3,514 बूथ है और 33,97,000 मतदाता हैं। वहीं कहा कि अभी भी लोग मतदाता बन सकते हैं, किसी का नाम काटा नहीं जाएगा और फॉर्म में 26 में यदि किसी भी अपराधी का इतिहास है तो उसमें प्रत्याशी को 3 बार प्रकाशित कराना होगा। यदि प्रत्याशी छुपाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। अभी मतदाता नाम सूची में चेक कर ले और यदि नाम ना हो तो बढ़वाया जा सकता है। 11 विकल्पों के आधार पर वोट डाल सकते हैं, लेकिन लिस्ट में नाम होना आवश्यक है। रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर भी कार्रवाई की जाएगी। कमीशन ने इलेक्शन की घोषणा कर दी है, तो इलेक्शन कमीशन की घोषणा के साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अपने बल में आ जाती है। उसी को सभी राजनीतिक दलों को अवगत कराने के लिए आज यहाँ बैठक की गई। सभी को लिखित रूप में और मौखिक रूप में जो डायरेक्शंस ऑनरेबल कमीशन के हैं वो उपलब्ध करा दिए गए हैं। उसमें जो मेजर जो चीज़ है वो डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी दोनों के बारे में था, जो कि उनको अवगत करा दिया गया। उनके बारे में उनके कुछ प्रश्न थे, उनका शंकाएं थी, उसको क्लियर करा दिया गया। कुछ चीज़ें उन्होंने स्पष्ट करने के लिए मांगी थी कि लिखित रूप में मांगी थी, वो उनको अवगत करा दी जाएंगी। 144 इस समय अपने प्रभाव में है। 144 में इलेक्शन वाली बातों को भी इसमें जोड़ दिया जाए, वो आज रात से वो भी प्रभाव में अपनी आ जाएगी।
और जो चीज़ें नई चीज़ें आई हैं जो इलेक्शन कमीशन ने इस बार अपने करी हैं, सी विजिल जिसके माध्यम से कोई भी जो आम नागरिक है यदि वो शिकायत करना चाहता है और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करना चाहता है उसके बारे में अवगत करा दिया गया है। और आप भी सबको अवगत करा सकते हैं कि अगर सी विजिल ऐप डाउनलोड करके यदि वो कहीं पे अगर पा रहे हों तो वो शिकायत कर सकते हैं और वो शिकायत फिर यहाँ पे मिलेगी। 1950 एक नंबर है हेल्पलाइन का, वो शिकायत के बारे में भी तो है ही है, लेकिन वो अगर कुछ अवेयरनेस के बारे में जानकारी करना चाहें या कुछ और हेल्प मतलब चुनाव आयोग को कुछ सुझाव देना चाहें, कुछ करना चाहें, वो इसके बारे में है। वो एक इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इलेक्शन कमीशन से आम जनता से आम जनता इलेक्शन कमीशन से सीधे संवाद कर सकती है। आपको बता दें कि चुनाव को लेकर डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सभी तरह की आचार संहिता का जो भी है पालन करने के लिए दिशा निर्देश दिए और अधिकारियों को व्यवस्था दुरुस्त रहे इसके लिए भी दिशा निर्देश दिए गए। और इस पर बात करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी बलवीर सिंह हमसे जुड़ चुके हैं। जी बलवीर जी, जानना चाहूंगी जिस तरह से डीएम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पूरी कोशिश ये है कि आचार संहिता का पालन करते हुए शांतिपूर्वक ढंग से ये चुनाव संपन्न कराए जा सके, क्या कुछ आप इस पर कहेंगे? मैं बता दूं कि जैसे ही कल रविवार को राष्ट्र चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है लोकसभा चुनाव को लेकर, उसके बाद से कानपुर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। कानपुर के जिलाधिकारी विजय विश्वास पंत ने कलेक्ट्रेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही तैयारियों को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए और साथ ही कहा कि पूरे जिले में कुल 30 टीमें चुनाव पर निगरानी रखेंगी, प्रत्येक विधानसभा में 3 टीमें रहेंगी और कोई भी प्रशासन के ऐप पर मतदाता शिकायत कर सकता है अगर उसको कहीं किसी राजनीतिक दल की आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में कोई शिकायत है। कोई आम नागरिक भी प्रशासन को इसकी जानकारी दे सकता है जिस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी और जैसा कि प्रशासन पर्यवेक्षकों के को पूरा सहयोग करेगा, पर्यवेक्षक पूरी गतिविधियों पर निगाह रखेंगे, राजनीतिक दलों पर अगर कहीं भी कोई आचार संहिता का उल्लंघन करते प्रत्याशी या उसका समर्थक पाया जाएगा तो उसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही एक बात और स्पष्ट है कि सोशल मीडिया पर अगर कोई शरारती तत्व किसी इस तरह की प्रचार संबंधी कुछ गलत गतिविधियां करता है तो उसको भी उसका दंड भोगना पड़ेगा। जी बिल्कुल, जैसे कि इस बार सोशल मीडिया पर भी आचार संहिता लागू की गई है और कोशिश यही है कि किसी भी तरह का दुष्प्रचार ना हो, किसी भी तरह के आचार संहिता का उल्लंघन ना होने पाए। जानना चाहूंगी पिछली बार की कुछ खामियां जो देखी गई हो उसके मद्देनजर क्या नए कदम इस बार उठाए जाएंगे? देखिए जहाँ तक नए कदम की बात है तो मैंने आपको बताया कि कुल 30 टीमें इस बार पूरे जिले की लोकसभा की में आने वाली विधानसभाओं में पूरी तरह से मुस्तैद रहेंगी। और साथ ही जहाँ तक नए कदम की बात है तो इस बार सोशल मीडिया पर पूरी तरह से प्रशासन निगाह रखेगा ताकि कोई भी सोशल मीडिया के का गलत उपयोग न कर सके और अगर ऐसा कुछ पाया गया तो उसको दंडित होना पड़ेगा। और प्रशासन ने अभी जो तैयारियों को खाका रखा है उसके अनुसार पर्यवेक्षकों के आने के बाद कुछ और दिशा निर्देश दिए जाएंगे। ये क्योंकि प्राथमिक तैयारी है, प्राथमिक तैयारी में जो भी जिला प्रशासन को प्रारंभिक तौर पर गतिविधियां संचालित करनी है उसके संबंध में प्रशासन ने तैयारियां की हैं और पर्यवेक्षकों के आने के बाद सारी स्थितियां स्पष्ट हो पाएंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सामान्य निर्वाचन की आचार संहिता की घोषणा करते ही प्रशासन जिला प्रशासन हरकत में आ गया है और इसी के मद्देनजर डीएम विजय विश्वास पंत ने भी सभी अधिकारियों को बुला करके आचार संहिता का सही तरह से पालन हो इसी के लिए जरूरी दिशा निर्देश देने के लिए बैठक की। और चुनाव को लेकर इस तरह डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त और गंभीर नजर आ रहा है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर सेंट्रल स्टेशन के पार्सल विभाग में रेलवे और जीएसटी के अधिकारियों की मिलीभगत के कारण हो रही टैक्स की चोरी की बड़ी शिकायतों को लेकर उत्तर मध्य रेलवे के डीआरएम अमिताभ कुमार कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्सल विभागों के कागज चेक किए, साथ ही उनसे पूछताछ की और इस पर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए गए। साथ ही डीआरएम ने कहा कि जल्द ही कानपुर सेंट्रल स्टेशन का 10 करोड़ की लागत से कायाकल्प किए जाने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि प्लेटफॉर्म्स का विस्तारीकरण किया जाएगा और साथ ही एक आधुनिक लाउंज भी बनेगा। उसके लिए सिटी साइड जगह चिन्हित की जा रही है और पहले से सफाई व्यवस्था दुरुस्त होने पर उन्होंने अधिकारियों को श्रेय दिया। मोदी जी है और मुख्य तौर पर निरीक्षण आज करने का जो मकसद था, वो मकसद ये था कि जो कैंट साइड है, यहाँ पे जो रेलवे की जो स्पेस अवेलेबल है उसको बेटर प्रकार से यूटिलाइज कर पाएँ। यहाँ पे जैसे अभी हम लोगों ने इलाहाबाद में इलाहाबाद जंक्शन स्टेशन पे एक बड़ा सीसीटीवी कंट्रोल रूम लगाया है, जिससे कि मेले का संचालन किया गया। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ कानपुर में भी एक बड़ा सीसीटीवी कंट्रोल रूम लगाना चाहते हैं। यहाँ पे सीसीटीवी जो कैमरे हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी करना चाहते हैं। तो जब संख्या बढ़ेगी तो उनकी जो मॉनिटरिंग है उसको करने के लिए बड़े टीवी स्क्रीन चाहिए होंगे और उनको लगाने के लिए भी बड़ी जगह चाहिए। एक तो उस जगह को ढूंढना और वो जगह जहाँ तक हो सके आरपीएफ के थाने के आसपास हो, एक मकसद ये है। दूसरा मकसद ये है कि यहाँ पे यात्री सुविधाओं में पैसेंजर लाउंज कोई नहीं है। जो यहाँ पे हमारे राजधानी शताब्दी के पैसेंजर्स आते हैं या श्रम शक्ति पकड़ने लोग आते हैं, रात में गाड़ी चलती है, लोग जल्दी आ जाते हैं, तो उनके लिए भी हम लोग इस तरफ या अभी थोड़ी देर में उधर भी जाएंगे खंडागढ़ साइड में लाउंज बनाना चाहते हैं यहाँ पे। और भी कानपुर स्टेशन का डेवलपमेंट होना है, कुछ पैसा सैंक्शन हुआ है, फ्लोरिंग चेंज होनी है, छतें जहाँ से लीक करती हैं उनको रिप्लेस करना है, तो इसकी पूरी योजना एक बनाने के लिए हम लोग मेरा मुख्य रूप से यहाँ पर आना हुआ है। और अभी आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3 कि जो इन पे जो गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं, अधिक लंबी गाड़ियाँ खड़ी हो सकें, इसके लिए एक बड़ा सफल काम हमारे अधिकारियों ने, यहाँ के जो अफसर हैं सिविल इंजीनियरिंग के, एसएनटी के और इलेक्ट्रिकल टीआरडी के ऑपरेटिंग के अधिकारी, इन्होंने मिलकर किया है। अभी कानपुर स्टेशन पे हम लोग ज़्यादा गाड़ियाँ आप हैंडल कर सकते हैं, तो अब इलाहाबाद में बहुत काम हो गया, इलाहाबाद जंक्शन स्टेशन, अब कानपुर में भी हम लोग बहुत सारे। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
LIC की जीवन शांति पॉलिसी, एक बार प्रीमियम भरो और पाओ गारंटीड एन्युइटी, जब चाहो तब से जीवन भर के लिए LIC जीवन शांति, शांति गारंटीड। अम्मू तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए। पापा किससे बात कर रहे हो? अम्मू मेरी अम्मू अब बड़ी हो गई है ना। कोई भी बात मुश्किल नहीं, बस शुरू करने की देर है। Let's talk periods. घर में आएगी खुशियाँ जब दूध की नदियाँ बहे, खनन खनन पैसा बरसे, खुशहाली है चारों ओर। अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर ऑर्गेनिक व शुद्ध कपिला पशु आहार, इसमें है सबसे ज्यादा पोषक। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और कपिला पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। कपिला पशु आहार हिलाना, कपिला पशु आहार। LIC की जीवन शांति पॉलिसी, एक बार प्रीमियम भरो और पाओ गारंटीड एन्युइटी, जब चाहो तब से जीवन भर के लिए LIC जीवन शांति, शांति गारंटीड। बुकिंग्स ओपन, झांसी होम्स 2BHK, 3BHK एंड 3BHK लग्जरी, JDA अप्रूव्ड फर्स्ट पोडियम गार्डन कॉन्सेप्ट इन झांसी, 90% भवन निर्माण पूर्ण, 24 hours उच्च कोटि की सिक्योरिटी विद CCTV कैमरा, साथ ही कम्युनिटी हॉल, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और अन्य अत्याधुनिक सुविधाएं। झांसी होम्स आइए, अपने परिवार के साथ बिताइए एक शाही जीवन। सभी बैंकों से लोन उपलब्ध, रेलवे स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर। झांसी होम्स, आपके सपनों का घर। बुकिंग्स ओपन, जल्दी करें, कुछ ही फ्लैट्स शेष हैं। बिहाइंड हाजी पेट्रोल पंप, अपोजिट जय अकेडमी स्कूल, शिवपुरी रोड, झांसी। हंसराज मॉडर्न स्कूल मेक्स लर्निंग जॉयफुल एंड फन फिल्ड थ्रू एक्टिविटीज लाइक साइंस पार्क, लर्न बाय लाइव कॉन्सेप्ट्स, चेस क्लब, लर्न टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजी, एस्ट्रोनॉमी क्लब, जर्नी बियॉन्ड स्टार्स। एट हंसराज, एजुकेशन इज मैनेज्ड बाय IITians एंड प्रोफेशनल्स हू बीन थ्रू द रिगर्स ऑफ कॉम्पिटिशन एंड कैन एंश्योर स्मार्ट करियर्स। हंसराज मॉडर्न स्कूल, शिवपुरी रोड, झांसी। LIC की जीवन शांति पॉलिसी, एक बार प्रीमियम भरो और पाओ गारंटीड एन्युइटी, जब चाहो तब से जीवन भर के लिए LIC जीवन शांति, शांति गारंटीड। ग्रैंड कीथ होटल्स, कंफर्ट, लग्जरियस, exclusive, excellent rooms and suites with modern facilities, banquet hall, conference hall, multi-cuisine restaurant, and gym open shortly with luxurious services. Also available on Make My Trip and Go IBIBO. Grand Keith Hotels, Damal, Kanpur. Contact number 0512-237-1024.
9781046, 9792000685. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। 11 मार्च को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक लॉयर्स के चुनाव संपन्न कराए जाएंगे और इस मौके पर कचहरी में सारी तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं। एल्डर्स कमेटी ने बताया कि मतदान के लिए सीओपी कार्ड बेहद जरूरी होगा और इसके बिना मतदान की कार्रवाई नहीं हो सकेगी। देख रहा हूं, बराबर चल रहा है काम। अच्छा सर, क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, कब चुनाव है? कल पोलिंग सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चलेगी। उसके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। हम लोगों के यहाँ 7 नंबर बनाए गए हैं बूथ, जहाँ अलग से व्यवस्था होगा। एक नंबर बूथ में सीनियर्स को रखा है सामने वाले रूम में पीछे, और 2, 3, 4 नीचे रखे गए हैं, 5, 6, 7 ऊपर रखे गए हैं। सदस्य चुनाव के लिए यहाँ काफ़ी सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। जो एल्डर्स कमेटी है उसने अपनी पूरी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। किसी भी तरह की फर्जी मतदान की या किसी भी तरह के गलत मतदान की कोई व्यवस्था अगर किसी तरह की दिखाई देगी तो उसके खिलाफ एल्डर्स कमेटी सख्त से सख्त रवैया अपनाने का काम करेगी। प्राथमिकताएँ सबसे पहले वकालतनामा अधिवक्ताओं को बढ़ाने की रहेगी। अधिवक्ताओं का वकालतनामा 1,000 रुपये का होना चाहिए, जिससे जो आर्थिक रूप से कमजोर अधिवक्ता हैं उनका भला हो सके। सीसामऊ नाले को टैप कर पाने में भले ही प्रशासन ने सफलता पा ली हो, लेकिन अब उसकी प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। बीते कई बार की तरह इस बार भी वीआईपी रोड समेत सिविल लाइंस के कई इलाके जलमग्न नजर आए। ग्रीन पार्क चौराहे पर भरे पानी से जनता को आवागमन में खासी परेशानी आ रही है। इलाकाई लोगों ने इसे पूरी तरह से प्रशासन की निष्क्रियता बताया है। लापरवाही प्रशासन की है। दूसरा इसमें यह है कि आम आदमी जो अपने परिवार के साथ निकलता है उसको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सीवर लाइन से मिला हुआ नाला है, उसका पानी पड़ता है तो आदमी जाके घर में जाके नहाए हुए। कानपुर में दवा व्यापारियों ने कुछ नर्सिंग होम में दवा को लेकर हो रहे भ्रष्टाचार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। पीड़ित अनिल कुमार ने बताया कि उनकी पत्नी आहुति गुप्ता के नाम से गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में फर्म चल रही है, जिसमें दवाइयों को लेकर लगातार घोटालेबाजी की जा रही है। साथ ही उन्होंने इस मौके पर कई दस्तावेज भी दिखाए। इसलिए की गई है कि केंद्र सरकार द्वारा जो स्वास्थ्य योजनाएं चल रही हैं उसमें निजी अस्पताल भारी अनियमितताएं करते हुए घोटाले कर रहे हैं और केंद्र सरकार के पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। उसी के सिलसिले में मुझे बताना है कि मेरी फर्म मेडिसिन जोन गुरु तेग बहादुर चैरिटेबल हॉस्पिटल लाजपत नगर में स्थित है। हमारी फर्म की सॉफ्टवेयर को इन्होंने पहले अपने यहाँ लगवा कर, मार्क कंपनी का सॉफ्टवेयर था उसको अपने यहाँ लगवा कर CGHS और TPA से फर्जी बिल बनाकर भुगतान प्राप्त किया है, उससे संबंधित थी और इसमें इन्होंने करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। मैंने जब FIR करवाई तो पुलिस से मिली भगत कर इन्होंने उस पर FIR लगवाई। और इसी के साथ खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए GMD न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। देख रहे हैं GMD न्यूज़, आम जन की।